दशहरा पर गुरुनगरी अमृतसर में बेहद दर्दनाक हादसा हो गया और दो ट्रेनों की चपेट में आने से 50 से ज्यादा लोग मारे गए। करीब 150 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारे गए लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। गरीब रथ ट्रेनों को बंद करने का फैसला आम जनता व सांसदों के विरोध के बाद रेलवे ने वापस ले लिया है, इसलिए पहले की तरह ये पटरी पर दौड़ती रहेगी। हमसफर एक्सप्रेस के पटरी पर आने के बाद गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों को पटरी से हटाने की चर्चा शुरू हो गई थी। दिल्ली के 5-स्टार होटल हयात में पिस्टल कांड को लेकर पुलिस रात भर आशीष पांडे से पूछताछ करती रही। दिल्ली पुलिस की टीमों ने पूछताछ के तुरंत बाद बीएमडब्ल्यू गाड़ी और पिस्टल बरामद कर ली है। आशीष के साथ होटल पहुंची 3 युवतियों की शिनाख्त भी कर ली गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि सऊदी के लापता पत्रकार जमाल खशोगी की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर इसमें सऊदी अरब का हाथ पाया जाता है तो इसके बेहद गंभीर परिणाम होंगे। सीबीएसई ने 8,000 लंबित आवेदनों पर निर्णय कर लिया है। ये आवेदन संबंधीकरण के थे और कुछ की तारीखें 2007 थी। इसके बाद उप कानूनों में संशोधन किया गया और प्रक्रिया को आसान बनाते हुए पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट एक बार फिर ग्राहकों के लिए सेल लेकर आ रही है। फ्लिपकार्ट फेस्टिव धमाका डेज की शुरुआत 24 अक्टूबर से होगी जो 27 अक्टूबर तक चलेगी। टेलीकॉम सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अब जियो ने दिवाली धमाका किया है। कंपनी ने एक नया 1,699 रुपए का प्रीपेड प्लान पेश किया है, जिसके तहत ग्राहकों को 547.5 GB 4G डाटा मिलेगा और इस प्लान की वैलिडिटी 1 साल की होगी। इस प्लान के तहत ग्राहकों के लिए रोजाना 1.5 GB डेटा की लिमिट होगी। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा स्टारर नमस्ते इंग्लैंड रिलीज हो चुकी है। 2012 की फिल्म इश्कजादे के बाद ये दूसरा मौका है जब अर्जुन और परिणीति किसी फिल्म में साथ काम करते नजर आ रहे हैं। ये एक लव स्टोरी है जो दर्शकों को खूब भा रही है। आयुष्मान खुराना स्टारर अंधाधुन की जोरदार कामयाबी के बाद बधाई हो ने भी बॉक्स ऑफिस पर जोरदार शुरुआत की है। रिपोर्ट्स की माने तो पहले दिन कमाई करने के मामले में आयुष्मान की इस फिल्म ने उनके पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो बेहद कम बजट में बनी ये फिल्म इस साल कमाई के कई नए कीर्तिमान बनाने जा रही है। फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने बॉलीवुड के लोकप्रिय कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को बतौर निर्देशक उनकी पहले फिल्म किजी और मैनी से बाहर कर दिया है। फॉक्स स्टार ने ट्वीट कर कहा कि एक जिम्मेदार संगठन के रूप में स्टार इंडिया कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता है, इसलिए फिल्म किजी और मैनी के निर्देशक मुकेश छाबड़ा की सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी वाला एक और ईमेल आया है। इससे पहले भी किसी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को मेल भेजकर प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। इन दो ईमेल के बाद दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया है। अखिलेश ने अमर सिंह के आजम खान पर किए जुबानी हमले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मीटू की आड़ में एक अभिनेत्री की ओर से धमकी भरी बात करना पूर्णतया आपत्तिजनक है। आजम खान जैसे व्यक्ति के बारे में कोई गलत बात सोच भी नहीं सकता। चीन अपने शहरी इलाकों से स्ट्रीट लाइट हटाने और बिजली पर खर्च घटाने के मकसद से 2020 तक अपना खुद का कृत्रिम चंद्रमा लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत का चेगुन शहर रोशनी प्रदान करने वाला उपग्रह विकसित कर रहा है जो वास्तविक चंद्रमा की तरह ही चमकेगा। गुरुवार को कंधार के गवर्नर, सेना प्रमुख और इंटेलिजेंस चीफ की हत्या कर दी गई थी। वहीं अमेरिकी कमांडर समेत 2 अन्य अमेरिकी घायल हुए थे। आज होने वाले चुनाव के मद्देनजर तीनों गवर्नर के कार्यालय में एक मीटिंग करने गए थे। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारतीयों के लिए अमेरिका में रहना मुश्किल हो गया है। पिछले 2 सालों में भारतीयों को मिलने वाले ग्रीन कार्ड की संख्या में गिरावट आई है। इसका अहम कारण ट्रंप प्रशासन की अप्रवासी नीति में बड़ा बदलाव है। पिछले साल जिन 6 लाख भारतीयों ने अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया था उनमें से मात्र 60,394 लोगों को ग्रीन कार्ड मिला है।
बद्रीनाथ मंदिर के कबाड़ इस साल 20 नवंबर को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जो 6 माह की शीतकालीन अवधि के बाद पुनः अप्रैल मई में खुलेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यधिकारी बीडी सिंह ने बताया कि भगवान बद्रीनाथ के धाम के कबाड़ 20 नवंबर को अपराह 3:21 पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद तीसरा मोर्चा तैयार हुआ है। अब जेसीसी अध्यक्ष अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने कहा है कि गठबंधन के स्टार प्रचारक होने के नाते अजीत जोगी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और राज्य में चुनाव प्रचार पर ज्यादा जोर देंगे। चीन ने तिब्बत के रास्ते भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक लिया है। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस सांसद निनोंग एरिंग ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल को इस बात की जानकारी दी। साथ ही मामले में हस्तक्षेप कर अरुणाचल के लोगों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने की मांग की है। प्याज की कीमतों में दिवाली से पहले जोरदार तेजी आई है। सिर्फ 10 दिनों के अंदर कीमतें दोगुनी हो गई हैं। दिल्ली समेत कई बड़े महानगरों में प्याज की कीमतें 30-40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। व्यापारियों का कहना है कि प्याज की खेती करने वाले राज्यों की ओर से सप्लाई घट गई है, इसीलिए प्याज की कीमतों में तेजी आई है। यूपी पुलिस 1 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस दौरान 56,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, पुलिस बल, पीएसी, कारागार और दमकल विभाग के लिए भर्ती किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के मुताबिक कुल 56,808 भर्तियां की जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।